दोस्तों आज की कहानी है बहू तुम तो पेटू हो। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। बहू देखना बेटा पूरी का आटा बाद में गुंथवाना क्योंकि पूजा खत्म होने में अभी समय है। जब पूजा खत्म हो जाए तभी कमला से कहकर आटा गुंथवाना। तब पूरिया करीरी और खस्ता बनेगी। और हाँ मीठी चटनी में मेवे अच्छे से डालना। जाहवी को सबको समझाती हुई रम्मा जी बोली। जी माँ कहकर जाहवी अपने काम में लग गई। कुछ देर में सारे पकवान तैयार हो गए। घर का आंगन रसोई में बन रहे पकवानों की खुशबू से भर उठा। एक हफ्ते के पूजा के बाद आज हवन का दिन था। रम्मा जी लगातार पूजा के कार्यक्रम में लगी थी लेकिन बार बार आकर रसोई में देखती और जाहवी को समझाती जा रही थी। कुछ देर बाद रम्मा जी आई और रसोई में घुसती बोल पड़ी, बेटा देखा तो क्या क्या तैयार हो गया। जाहवी ने सारे पतीले खोल खोल देखा दिए। मटर पनीर पालर और बैगन की सब्जी बिना लहसुन प्याज के काजू ग्रेवी में सोले आलू की कसूरी बूंदी का रायता खीर खजूर की मीठी चटनी मेवे पुलाव बस पूरी तलना बाकी था। सारे खाने दिखावे हुए जावे के मुंह में पानी आ रहा था। एक तो सुबह से भूखी थी ऊपर से इतने स्वादिष्ट व्यंजन मायके में तो माँ जानती थी उसके पेटूपन के बारे में जानती थी कि अच्छे स्वादिष्ट भोजन देख उसे रहा नहीं जाता लेकिन ये तो ससुराल है। सोचते हुए उसका चेहरा उतर गया। तभी पूजा खत्म हुई। पूरा परिवार आरती और प्रसाद के लिए गया। पंडित जी ने महाप्रसाद जेवी और आलो को साथ साथ दिया मंगल कामना की और फिर पंडित जी लोगों को भोज शुरू हुआ। रसोई में जावी ने मोरसा संभाला और परोसने में आलो को और माँ रम्मा जी ने बड़े अच्छे से पंडित जी लोगों का भोजन हुआ। फिर बारी थी रिश्तेदारों की। तभी रमा जी ने बहू को निर्देश दिया, बेटा एक थाली में सब कुछ परोस कर मुझे दो। जी माँ कहकर जाहवी के एक थाली में सारी भोजन परोस कर माँ के हाथों में दे दिया। रमा जी लेकर चली गई। कुछ देर बाद आई तो बोली, बेटा जा थोड़ी देर कमरे में आराम कर ले। मैं और कमला देखते हैं यहाँ सबको सुबह से लगातार खड़ी और जरूरत होगा तो मैं तुम्हें बुला लूँगी। लेकिन माँ बुआ जी मामी जी और सासी जी सभी को खाना खिलाना है और वो लोग क्या सोचेगी। बहुत हो जा कोई कुछ नहीं सोचेगा। और देख अभी सब बैठे बातें कर रही हैं, मैं भी कुछ देर वहीं बैठूंगी तब तक तू अपनी कमर सीधी कर ले। हाँ बहुरिया जा हम अभी नहीं आज खाएंगे, जा थोड़ा आराम करके आ जा। सुबह से रसोई में खड़ी हैं। बुआ सास ने कहा तो जाहवी निश्चित होकर कमरे में गई। भूख से जान जा रही थी, मन हो रहा था सभी जल्दी जल्दी खा ले तो कुछ दाना पेट में जाता लेकिन अभी देरी। सोच मन मार कर कमरे में गई। कमरे में पहुंची बिस्तर पर लेटनी जा रही थी तो नजर साइड टेबल पर गई। थाली रखा देख ऊपर की थाली हटाई तो देखा वही थाली थी जो सासू माँ ने अभी परसवाई थी कुछ देर पहले। अभी थाली देख ही रही थी। रमा जी झट से कमरे में आई और बोल पड़ी, बेटा ये थाली मैंने यही रखा रखी है। जानती हो तुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती और अभी सभी को खिलाने में बहुत समय लगेगा तो जल्दी से खा ले। लेकिन माँ मैं अकेले कैसे खा लूँ, अभी तो आप सब ने भी नहीं खाया। मैं मानती हूँ मैं बैठी हूँ, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होता लेकिन ससुराल में बिना सभी को खिलाए मैं खा लूँ तो मुझे पाप नहीं लगेगा। और आपको कैसे पता चला कि मुझे भूख लगी है। जाहवी ने पूछा तो रमा जी बोल पड़ी, बेटा माओ बच्चे भूख से कभी व्याकुल होते तो सेहरा पे शांति हो। सासू तुम्हारी लेकिन बेटी माना है तुम्हें तो क्या सिर्फ कहने के लिए और कोई बात नहीं। जो तुम पहले खा लोगी कोई पाप नहीं इसमें, तुम खा लो फिर झटपट बाहर आ जाओ मैं चलती हूँ कहकर रमा जी जाने लगी तो जाहवी ने आवाज़ लगाई।
हाँ, रमा जी मुड़ी तो उनके गले लग गई। रमा जी ने प्यार से उसका माथा सेला और बाहर सरी गई। फिर तो बड़े मजे से उसने सारा खाना खत्म किया और एक अच्छी खासी डकार मार त्रत होकर बाहर आई। सभी औरतों और मर्दों को बड़े मन से खाना खिलाया। उसे देख बुआ जी बोल पड़ी, अम्मा तू बहुत नसीबों वाली जो ऐसी बहू मिली है। सवेरे में लगी काम में पूजा थी, अनाथ नहीं है। सच में साक्षात अन्नपूर्णा का रूप है। बुआ जी की बात सुन सास बहू ने एक दूसरे को देखा, आंखों आंखों में हंसी का फवारा सूटा, लेकिन फिर जहावी भावुक हो उठी। सोचने लगी, बुआ जी हाँ हूँ मैं अन्नपूर्णा, लेकिन आज इस अन्नपूर्णा को मेरी माँ ने शोषित किया है, संतुष्ट किया है। तभी पूरी संतुष्टि और भाव से सभी को मैं भोजन परोस कर खिला रही हूँ।